हर बच्चे को लुक्का छुपी खेलना बहुत पसंद होता है। माता पिता को चिंता रहती है कि बच्चा गिर सकता है या लापता हो सकता है या खेल के दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे बच्चे को सावधान रहने के लिए कहते हैं, जो बदले में उन्हें बताते हैं कि वे सिर्फ खेल रहे हैं। बचपन में अपने माता पिता की चिंता को नहीं समझते, लेकिन जब वे बड़े होते हैं और उनके अपने बच्चे होते हैं तो उन्हें इसका एहसास होता है। एक झकझोर देने वाली घटना हुई है। मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में बहुत सारे शिपिंग कंटेनर थे जो जहाज़ों से आए थे। एक कर्मचारी ने एक कंटेनर के अंदर से कुछ खचखटाने की आवाज़ सुनी। इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसके कान बज रहे थे, लेकिन उसने इसे फिर से सुना और सोचा कि इन शिपिंग कंटेनरों के अंदर किसी का होना असंभव है। जब उसने दोबारा आवाज़ सुनी तो उसने कंटेनर खोला और 15 साल के एक युवा लड़के को देखकर चौंक गया। लड़का बेहद कमज़ोर लग रहा था। जब कर्मचारी ने उससे पूछा कि वह कौन है तो लड़के ने दूसरी भाषा में उत्तर दिया। मलेशिया के मज़दूर मलय बोलते हैं जबकि लड़का अलग भाषा बोल रहा था। कंटेनर बांग्लादेश से जहाज़ में आया था। लड़का बंगाली में बात कर रहा था जिसे कर्मचारी समझ नहीं पाए। मानव तस्करी या अपहरण का मामला होने का संदेह होने पर कर्मचारी डर गए। इसके बाद उन्होंने मलेशियाई पुलिस को बुलाया जिसने लड़के को बहुत कमज़ोर और दुबला पतला पाया। पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई और फिर बेहतर होने पर उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने पाया कि 15 वर्षीय लड़के का नाम फहीम है और वह बांग्लादेश के चिट्टागोंग में रहने वाला है। वह हैरान था कि वह मलेशिया कैसे पहुंचा। फहीम लुक्का छुपी खेल रहा था और उसने कंटेनर खुला हुआ देखा। यह 11 जनवरी 2023 की बात है। फहीम कंटेनर के अंदर छुप गया लेकिन फिर सो गया। बाद में कंटेनर को मलेशिया जाने वाले जहाज़ पर लाद दिया गया। जहाज़ ने 11 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की और 17 जनवरी 2023 को मलेशिया पहुंचा। यात्रा लगभग 2600 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 6 दिन लगे। हे भगवान, जहाज़ के कर्मचारी उस लड़के को कंटेनर का दरवाज़ा खटखटाते हुए नहीं सुन सके। वह भूख और निर्जलित होने के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था। सौभाग्य से पहुंचने पर कर्मचारी ने उसकी आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खोला। मलेशियाई पुलिस ने मानव तस्करी के विचार को खारिज कर दिया। वे समझ गए कि यह एक दुर्घटना थी और उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों को सूचित कर दिया। मलेशियाई अधिकारियों ने फहीम को उसी जहाज़ या विमान से वापस घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।